8 फरवरी को जज्बे से निकले तो कामयाबी हमारी होगी। बिलावल भुट्टो को यकीन, कहा इलेक्शन शेड्यूल अब तक नहीं आया, इससे पहले ही मिट्टी ने फैसला सुना दिया। कुछ कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत चाहती हैं, हम रंग नस्ल नसब पर यकीन नहीं रखते, एक हैं और एक रहेंगे। मोदी सरकार में अकलियत की कोई नुमाइंदगी है? भारत की सरजमीन पर खड़ा होकर मोदी से सवाल किया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबिता, मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। रहनुमाओं का बाहमी इत्तेफाक से मुल्की मसाइल को हल करने का अज़्म, नवाज शरीफ की जानिब से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। फरा गोगी से क्या ताल्लुक है, क्या उनके माली मामलात और किरदार से मुतमईन हैं, अलकादे ट्रस्ट बनाने का मकसद क्या था, क्या फिक्र या दरस निज़ामी का कोई कोर्स कर रखा है, क्या अलकादे ट्रस्ट से बतौर मुअल्लिमा भी इमारात लेती रहीं, मलिक रियाज ने अलकादे ट्रस्ट में खुद दिलचस्पी दिखाई या आपने राबता किया, नैब के बुशरा बीबी से सवाल, तहरीरी जवाब भी मांग लिया, तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड के केसेस, चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी जारी, एहतसाब अदालत का जेल सुपरिटेंडेंट को वारंट की तामील का हुक्म। किकबैक्स लेने का इल्जाम, मुनिस इलाही इश्तिहारी करार, एहतसाब अदालत ने जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया, कुर्की की कार्रवाई शुरू, मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त, परवेज इलाही और मुनिस इलाही फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 100 से ज्यादा कंपनी अकाउंट्स और पर्सनल बैंक अकाउंट सील, मुनिस इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, FIA का बजरिया इंटरपोल जल्द गिरफ्तार करने का दावा। यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मगर काम कुछ नहीं किया, छुट्टियां कर दी लेकिन स्मोक पर काबू पाने के लिए इकदाम नहीं किए, स्मोक के तदारक में नाकामी पर लाहौर हाईकोर्ट इंतजामिया पर बरहम, DG माहौलियात समेत 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील करने की हिदायत, हफ्ते के रोज तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रखने का हुक्म, कमिश्नर लाहौर पर इजहार नाराजी, रिमार्क दिए, हुकूमत सरकारी स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल खरीदे, साइकिलिंग को फरोग दे, अंडर पास बनाने में माहिर तो हो गए लेकिन बाकी चीजों को देखें, तामीर के बाद जो स्मोग आएगी वो पूरी सर्दियां भुगतेंगे। और जायजा लेना होगा दहशतगर्दी में इजाफा क्यों हुआ, काबुल जाकर तालिबान हुकूमत को एंगेज करने का फैसला किसका था, किसने जेलों में कैद खतरनाक दहशतगर्दों को छोड़ने का कहा, कौम को इन लोगों को पूछना चाहिए, इसहाक डार का सेनेट में खिताब, कहा गैर कानूनी तारकीन को इज्जत और वकार के साथ निकाला जाए, अब्दुल गफूर हैदरी की अफगान बाशिंदों की वापसी के मुतालिक APC बुलाने की तजवीज़।